दोस्तों, आपका हमारे चैनल 360 ज्ञान पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल 360 ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और भी लेटेस्ट अपडेट वीडियो पाने के लिए। दोस्तों, काफ़ी दिनों से हमारे संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे थे, पर सरकार ने दोस्तों काफ़ी समय पहले हमारे संविदा कर्मचारी भाइयों को अल्टीमेटम दिया था कि अगर वो 12 मार्च तक हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे, उनका जो भी आंदोलन चल रहा है उसको ख़त्म नहीं करेंगे, तो उनको उनके सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सरकार ने आदेश निकाल दिए और हमारे संविदा कर्मचारी भाइयों को बर्खास्त कर दिया। दोस्तों चलिए पूरी नज़र डालते हैं खबर पर। चेतावनी के बाद भी काम पर ना लौटने वाले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा झटका दिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NH ने प्रदेश के 19,000 संविदा सेवकों को सेवा से हटाने का नोटिस जारी किया है। बाकायदा है नोटिस दोस्तों जिला अस्पतालों की दीवारों पर भी चिपका दिया गया है। पिछले करीब आधे माह से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अस्पतालों में काम बंद कर बेमुद्दता हड़ताल कर रहे थे। इधर प्रभावित होती स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में NHS ने यह कार्रवाई की। हड़ताली संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी ने NHM ने 12 मार्च तक काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया था। शाम तक जब कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं लौटे तो सरकार ने बस बर्खास्त करने का आदेश निकाल दिया। सरकार की इस कार्रवाई से गुस्साए कर्मचारी ने टर्मिनेशन लेटर की सामूहिक रूप से होली जलाई और आंदोलन को उग्र कर दिया। राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में CMHO कार्यालय के समीप भी आदेशों की होली जलाई गई। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ चौहान ने कहा है कि सरकार ने हमें नौकरी से बाहर कर दिया, इसलिए हम अब ज़्यादा आज़ाद हैं और अपना अधिकार पाने के लिए संघर्ष और भी तेज करेंगे। दोस्तों, हो सकता है कि हमारे संविदा कर्मचारी भाई आंदोलन को और उग्र बना दें, जिससे सरकार को कहीं ना कहीं तो कुछ हमारी मांगों को सोचना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह तानाशाही है। सौरभ का कहना है कि मंगलवार को सभी जिला अध्यक्ष की बैठक रखी गई है, इसमें आंदोलन की और तेज करने की रणनीति बनाई जाएगी। दोस्तों, अब आंदोलन पहले से ज़्यादा काफ़ी तेज हो सकता है और इसमें नई रणनीति पर भी बात की जाएगी। हम करेंगे पूरा समर्थन। इस कार्रवाई को लेकर अन्य विभागों के संविदा कर्मचारी एकजुट हुए हैं। सर्व शिक्षा अभियान संविदा इंजीनियर संघ के प्रांत अध्यक्ष शरद बाजपेयी ने कहा है कि यह कार्रवाई दर्शा रही कि सरकार किस तरह कर्मचारियों की आवाज़ दबाना चाहती है। है क्लास 3 के बैनर थले गठित संविदा कर्मचारी संघ के प्रत्यय संयोजक इंजीनियर अजय तिवारी ने कहा कि संविदा में हक लेना सभी का अधिकार है, इस प्रकार की कार्रवाई निर्दयनीय है, सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का संपूर्ण समर्थन किया जाएगा। दोस्तों, चुनावी साल होने के कारण हमारे सभी वर्ग जैसे अतिथि शिक्षक, संविदा कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सभी अपना नियमितीकरण चाहते हैं। और दोस्तों, नियमितीकरण की मांग सरकार इतनी आसानी से नहीं मान रही है। दोस्तों, भले ही हमारे अतिथि भाइयों से सरकार ने नियमितीकरण का वादा किया कर तो दिया है और संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों से भी पहले वादा किया गया था कि उनका नियमितीकरण कर दिया जाएगा, पर दोस्तों अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।